करो, अभी तो यंग लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो यंग लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो यंग लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, वादा निभाओ, वादा निभाओ, वादा निभाओ। आईडीए देखा तेरा खेल निराला, प्राधिकरण देखा तेरा खेल निराला, वेद को अवैध कर डाला। अरे जोर जोर में, जोर जोर में सड़क पे मिलेंगे। बंद करो अत्याचार, नहीं चलेगी आईडिया की। बंद करो अत्याचार, नहीं चलेगा आईडिया का अत्याचार। बंद करो अत्याचार। '75 में गाड़ देना, ये मेरे पिताजी के वर्ड है और मैं मेरे पिताजी का वचन पूरा करूंगा। 1986 की रजिस्ट्री है, 32 साल हो गए शिव के राज में। 32 साल किसको बोलते हैं? 32 मेरे प्लाट लेने के लिए 32 साल इंतजार करना पड़ा मेरे को। और जो प्लाट लिए उसके अगली पीढ़ी ले, मतलब ये है कि हमें अपनी ही चीज लेने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आईडीए के पजामे में नाड़ा नहीं है और हाथ अलग ऊपर हो रहे हैं उसके, और फिर भी कह रहे हैं हम प्लॉट नहीं छोड़ेंगे। तरह का आज विरोध जता रहे हैं आप लोग, किस तरह का पूरा? हम लोग कुछ बिहार के भूखंडधारी हैं, सब रजिस्टर्ड प्लॉट होल्डर हैं। 86 से लेकर के अभी तक 1100 लोगों के प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन इस दौरान 1993 में आईडीए ने 132 स्कीम लगा दी, जैसे तैसे हाई कोर्ट से उससे सुलझा पाए तो उन्होंने उसके बाद तुरंत 2009 में 171 स्कीम लगा दी। हम लोग 86 से आज तक 30 साल 32 साल से अपने प्लॉट को जा भी नहीं पा रहे, देख भी नहीं पा रहे, मकान बनाने की बात दूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि शासन को अगर जमीन चाहिए है तो वो सर्वशक्तिमान है, वो मुआवजा दे करके सारी दुनिया ले सकती है। हम देने को भी तैयार हैं, हम शासन के आदेशों का पालन करने को तैयार हैं, पर जो नियम कायदे से या तो उनको ले लेना चाहिए था। नियम ये है कि 5 साल के अंदर इनको स्कीम को पूर्ण विकसित करके पूरा करना चाहिए, लेकिन आज तो 30-30 साल 25-25 साल हो गए, 1 इंच जमीन ले नहीं पाए, उस पर विकास की कल्पना तो बहुत दूर है। हमारा ये निवेदन है कि हमारी उम्र होती जा रही है, हमारे बहुत से साथी तो स्वर्गवास हो गए हैं, ऐसी स्थिति में हम लोगों के हमारे बच्चों को तो ये समझ भी नहीं आ रहा है कि इस प्लाट का होगा क्या भविष्य में, क्या भूमाफिया खा जाएगा या सरकार भूमाफिया से मिल चुकी है, समझ ही भी नहीं आ रहा कि कारण क्या है। ले लो, जब कह रहे हैं लिखित में दिया है कि ले लो या दे दो, इसमें कौन सा अन्याय।